सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, जो हमारी आज की वीडियो लेके आए हैं, पहले तो वीडियो में क्लियर कर दूं कि काफ़ी किसान भाइयों की ना डिमांड रहती है, जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को देखते हैं, अपना प्यार देते हैं, ऐसे ही प्यार देते रहना चैनल को, ठीक है जी। तो काफ़ी किसान ऐसे हैं जो पंजाब से बाहर हैं, मीनिंग पंजाब स्टेट से बाहर की स्टेट के हैं, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ऑल इंडिया से हैं, इंडिया से बाहर से भी देखते हैं, उनको पंजाबी नहीं आती या कम समझ आती है गल। तो कई किसानों की डिमांड रहती है कि भाई जी कोई वीडियो हिंदी में भी बना दिया करो ताकि हम भी देख लें। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए हिंदी वाली वीडियो है, हिंदी लैंग्वेज में, और स्पेशल ही मॉडल है, ठीक है जी। बैक साइड है ट्रैक्टर की, तो अब हम चलते हैं इसके फ्रंट पे। तो स्पेशल मॉडल है आपके लिए, जो महिंद्रा का नया आया ना, महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1 605 DI MS 4x4 B1 के साथ। इसकी दो वीडियो आएगी, एक वीडियो ये हिंदी में है, जो ये स्पेशल उन किसान भाइयों के लिए हैं जिनको पंजाबी कम आती है या आउट ऑफ पंजाब है, ठीक है जी। तो जो पंजाबी वाली वीडियो है वो भी आ जाएगी, जहाँ पहले पंजाबी वाली डाल देंगे फिर हिंदी वाली डाल देंगे, ठीक है जी। पंजाबी वाले तो सभी देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन हिंदी वाली है जो जिनको पंजाबी नहीं आती या कम आती है, उनके लिए स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो बना देता हूँ पंजाबी में, सभी देख लेंगे किसान भाई। फिर मेरे माइंड में आ गया भी, कई बार किसानों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई जी हिंदी में भी बनाया करो। फिर मैंने बोला, सोचा कि एक वीडियो शूट कर लेता हूँ जो हिंदी में रहेगी स्पेशल, और सभी किसान भाई उसे आनंद ले सकेंगे उस वीडियो का, पंजाब से बाहर भी देख के। तो बात कर लें, सबसे ज़्यादा डिमांड थी इस मॉडल की जब से ये आया, लेकिन हर किसी एजेंसी में, हर डीलर के पास अभी ये अवेलेबल नहीं है ट्रैक्टर 605 DI MS 4x4 में आ गया अर्जुन, जहाँ ऑर्डर पर आता है जहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो ट्रैक्टर मॉडल अवेलेबल है अब इस एजेंसी में, एजेंसी है जलंधर में, पंजाब में है, शहर जलंधर, गुरपाहुल सेल्स कॉरपोरेशन जलंधर, महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी है, ठीक है जी। बिधीपुर फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है बिधीपुर पास में, वहाँ पर है ये। तो अगर इसकी बात करें, जो कंपनी ने इसमें चेंज किया, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो, 8 मिनट की रखेंगे, वो किया इसके गियरों में चेंज किया, एक IPTO दे दिया, इंडिपेंडेंट PTO वाला लीवर, और एक इसका जो 4x4 कर दिया। तो सबसे पहले बात करें इसके टायरों की, जो 4x4 की है, बैक टायर है वो पहले वाले या 16928 के ही, ठीक है जी। जो फ्रंट टायर है ना, वो कंपनी ने किसान भाइयों दिए हैं इसमें 9524 के फ्रंट टायर है, DLX डिलक्स मॉडल है जे, ठीक है जी। तो ड्यूल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ आता है। और अगर इसके इंजन की बात कर लेना, पहले इसकी जो इंजन की HP है ना, अगर ओन RC बात करो, RC पे आएगी 49 point something, अप्रोक्स 50 HP मान लो RC पे। और वैसे जो रियलिटी में है ट्रैक्टर 50 HP का नहीं है, और ना ही ये 50 HP का लगता है, ये 60 HP ही ट्रैक्टर लगता है, ठीक है, जो पहले आता था वो ही लगता सेम। तो कंपनी यही कहती है कि इसकी पावर ज़्यादा ही है, और CRDI जब से आया, CRDI से बचने के लिए इसको RC पे थोड़ा कम कर दी है पावर, ठीक है जी। ये तो होगी इसके इंजन की बात। 4 सिलेंडर इंजन है, इनलाइन पंप है बोश का, नेचुरल स्प्रेटेड इंजन है, ना तो इसमें टर्बो है ना इसमें EGR है, बिल्कुल नेचुरल स्प्रेटेड। और डबल डीजल फिल्टर है, देख लो, जो अर्जुन 555 आता ना उसमें सिंगल डीजल फिल्टर कर दिया, इसमें डीजल फिल्टर भी डबल है। इधर ब्रांडिंग है 4x4 WD 4WD 4WD ये तो होगी इसके इंजन की बात। अब इसकी PTO HP बता देता हूँ आपको, पहले SFC और PTO HP। जो PTO HP है किसान भाई इस ट्रैक्टर की, वो है 42 और SFC है 259, ठीक है जी। बाकी बैक देख लो, बैक से कुछ भी चेंज नहीं है, सेम अर्जुन पहले वाला ही है, सिर्फ ये छोटा सा चेंज है, ये संगल आते थे उसकी जगह ये लिंकें कर दिए, टोब लिंक जैसा सिस्टम दे दिया दोनों साइड, ठीक है जी। और ये जैक है, ये एक चेंज है, ये जो जैक है ना, ये पहले सिंगल साइड आता था, अब ऐसा ही जैक देख लो दोनों साइड दे दिए हैं, एक जे चेंज है बैक से, बाकी डबल इसमें वो है DD वाला। और अब मेन बात पे आए, इसका IPTO इंडिपेंडेंट PTO वाला क्लच अलग से दे दिया, ये देख लो PTO क्लच, ठीक है जी, एक जे है, और एक है जो ये इसका आ गया 4x4 वाला गेयर, ये देख लो इधर, इधर से ये 4x4 वाला गेयर, ये हाई लो मीडियम हाई लो वाला गेयर है इसका जो नॉर्मल, और एक जे लीवर एक्स्ट्रा दे दिया कंपनी ने, ठीक है जी। कह लो कि हाई लो वाले दो है, एक जे हो गया हाई लो वाला और एक जे, इस हाई लो से जो स्पीड है उससे कम और ज़्यादा इसकी है, ठीक है जी। कह लो भी मनचाही स्पीडें मिल जाएंगी, ये सुपर सीडर के लिए स्पेशल है। अगर ये वाला आपने पहला लो लगा दिया ना, उसके बाद इसका लो लगा दिया, तो स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी ट्रैक्टर की।
ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਧੂਪ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈਓ, ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੈਸੇ ਖੇਤੋਂ ਮੇਂ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੇ ਹੋ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਤਨੀ ਧੂਪ ਮੇਂ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਧੂਪ ਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਬ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਉਤਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈਓ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੈਨਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਛੋੜੋ ਕਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਐਸੇ ਹੀ ਦੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਚੈਨਲ ਕੋ ਅਭੀ ਤੱਕ। ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੜੀਆ ਸੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅਬ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਇਸਕਾ ਉਹ ਹੈ ਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੀਟਰ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ 4x4 ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਅਗਰ ਇਸਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈਓ, ਇਸਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਅਪਰੋਕਸ 9 ਸੇ ਲੈ ਕੇ 9.5, 9.5 ਲੱਖ ਕੇ ਅਪਰੋਕਸ ਆ, 9.50 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਰੀਏ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸਕਾ ਐਕਸਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨਾ ਹੈਵੀ ਆ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਇਸਕੇ ਇੰਜਨ ਕੀ, तो आप ना एक वीडियो मैं इस वीडियो से पहले या बाद में डालूंगा, जो पंजाबी वाली वीडियो है पंजाबी में, उसमें इसकी गियर स्पीड भी मैंने चेक कराई है, आप गियर स्पीड चेक कर लेना उसमें। ठीक है जी, दोनों नीचे वाले और ऊपर लीवर से भी कम ज़्यादा होती हैं जो। और इसके ये ढक्कन खोल के, शील्ड खोल के पूरा इंजन भी चेक कराया मैंने भी, कोई EGR टर्बो नहीं है, नेचुरल स्प्रेटेड है। वो दो तीन चीज़ें आप दूसरी वीडियो भी देख लेना साथ में पंजाबी वाली, उसमें चेक कर लेना। और बाकी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैंने आपको इसी में बता दी हैं, इसका रेट भी, इसके इंजन की जानकारी, PTO, HP जो भी है। ठीक है, तो बाकी लुक चेक कर लो एक बार। बाकी अगर किसी ने लेना रेट तो अपने एरिया के जो डीलर है वहाँ से पता कर लेना आप जाके। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, बढ़िया लगी होगी आपको, तो शेयर लाइक कर देना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप। बाकी लाइटें हैं जो इसकी हैल हो जानी है किसान भाइयों। जी मेन कंपनी ने लॉन्च किया अभी सुपर सीडर है ना, जो सुपर सीडर का सीजन आना आगे, सुपर सीडर के लिए है। और काफ़ी किसान भाइयों की ही डिमांड थी भी कंपनी ने सभी जितने भी इनके मॉडल है ना 4x4 में लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन जो अर्जुन सीरीज़ है इसको 4x4 में क्यों नहीं लॉन्च करती कंपनी। तो कंपनी ने वो भी कह लो भी आपका एक कहना दूर कर दिया, वो लामा दूर कर दिया किसान भाइयों का। ये देख लो, ये पास में खड़ा जुबो, ये भी 4x4 में आता है। ठीक है जी, ये नोवो खड़ा है, ये भी 4x4 में आता है। ये भी ट्रैक्टर 4x4 में नहीं आता था, ये अल्ट्रा है, अल्ट्रा को भी कंपनी ने कर दिया, ये देख लो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।